मैं हमेशा पायलट को मोटिवेट करता हूँ, और पायलट अपनी पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाते हैं तो हम गठबंधन करने को तैयार है। ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अफेक्ट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में 6 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। सभी दल पार्टी अपनी कोशिश में लगे हैं कि राजस्थान में अपना परचम लहरा सके। बीते दिन हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता की। आमतौर पर हर नेता और पार्टी प्रेस वार्ता करती है और विपक्ष के ऊपर निशाना साधती है। बेनीवाल ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन राजस्थान में सियासी पारा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार सचिन पायलट को लेकर बयान दे दिया है। वैसे हनुमान बेनीवाल अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। पायलट के साथ संपर्क के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि मेरी पायलट से फोन पर बात हुई है, मैं हमेशा पायलट को मोटिवेट करता हूँ। और वहीं सचिन पायलट के गठबंधन के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि अगर पायलट अपनी पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाते हैं तो हम उनसे गठबंधन करने को तैयार है। वहीं बेनीवाल ने प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर भी बड़ी बात बोल दी है। हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से कहा कि आपको क्या लगता है खाचरियावास ने पाला क्यों बदला, क्योंकि उनकी परिवहन घोटाले की फाइल खुल गई थी और उसकी जाँच सीबीआई से होती तो खाचरियावास जेल में होते। जी हाँ, जेल में। बता दें, बेनीवाल राजस्थान में रैलियां और आंदोलन करने की तैयारी में है। बेनीवाल 9 जून को बीकानेर के सी डूंगरगढ़, 12 जून को नागौर के रिया, 14 जून को बीकानेर के कोलायत, 17 जून को टोंक, 20 जून को भीलवाड़ा, 22 जून को हनुमानगढ़ के नोहर, 24 जून को बाड़मेर के धोरीमन्ना और 26 जून को सी गंगानगर के गढ़सना में प्रदर्शन और सभाएँ करेंगे। अब देखना होता है कि राजस्थान की सियासत की जंग में कौन बाजी मारता है। नमस्कार। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।